देश पर्यावरण में सुधार की ओर कदम बढ़ा रहा है। पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन संभावनाओं और कारकों को कम किया जाए, इसके प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार कर रही हैं। इसी संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में विद्युत मंत्रालय की ओर से किसानों और हितधारकों के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित हुई सेमिनार के मुख्य वक्ता संगठन महामंत्री चंद्रशेखर रहे। कार्यक्रम में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर समेत विषय विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से काम कर रहे हैं, खासकर पराली जो किसान जलाते हैं उससे आय के प्रयास शुरू हुए हैं। थर्मल पावर प्लांटों में उनके उपयोग किया जाने लगा है। समय किसानों को फसल के वेस्ट से भी आय होने की संभावना बढ़ी है। यह सेमिनार भी इसी मकसद से आयोजित की गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक होल्डर्स विषय पर कार्यक्रम में कई विषय विशेषज्ञ और उद्यमियों ने अपने विचार साझा किए। हम पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं और साथ ही साथ हम जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर का वेस्ट से एक किसान किस तरीके से आमदनी कर सकता है, ये भी एक मिशन का उद्देश्य है। तो ना सिर्फ हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे इस मिशन के द्वारा, बल्कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारे किसान भाई हैं वो समृद्ध बन सके।